हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिटर्न ऑफ द लाइट। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली मर्करी और उसके मोशन के बारे में। मर्करी किस प्रकार से पूरे सालों साल मूव करता है, 365 डेज मर्करी का मोशन होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे इनफैक्ट नहीं बल्कि देखेंगे उसे। और हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्टेलेरियम, जो कि ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो मकरी का एरीज यानी कि जो मेष राशि है उससे स्टार्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार से एरीज से लेकर के वापस पाइसिस के एंड तक आते आते मकरी कितने प्रकार के मोशन को अपनाता है और कैसे कैसे मूव करता है। सो बिना कुछ करते हुए लेस उसको स्टार्ट ही कर देते हैं क्योंकि उसमें काफी टाइम लगने वाला है अपने को देखने में। और ये मर्करी का मोशन जोडियक बाय जोडियक स्टार्ट हो चुका है और इसको हम लोग को सेंटर अलाइन करके देखना चाहिए क्योंकि हम लोग फिर मूव करेंगे जोडियक के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मर्करी है वो इंक्लाइंड है अपवर्ड और अब उसका जाकर के कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है वो चेंज होगा और वो डाउनवर्ड इंक्लिनेशन की तरफ आएगा। और इसके विद द हेल्प हम लोग ये लॉन्गिट्यूड्स भी देख सकते हैं कि एक 20 डिग्री के आसपास ऊपर है और फिर ये नीचे की ओर झुकता है कैंसर के अक्रॉस और फिर कैंसर से वो नीचे आएगा विथ 10 डिग्रीज के अबव वो अब आ चुका है। तो इस फॉर्म में मर्करी जो है वो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है और ये सन के साथ में एक बहुत ही पर्टिकुलर रिलेशनशिप रखता है जो कि रिलेशनशिप है प्लस माइनस 28 डिग्रीज का। और आप समझ रहे हो डिग्रीज का मतलब यहाँ पे है जो अर्थ से हम लोग देख रहे हैं तो वो एक रेडियस और डिग्रीज के टर्म्स में। और मैं आपको स्पेशली अभी इस टाइप पॉइंट पे बताना भूल गया कि मर्करी का ये पहला रेट्रोगेशन है। जैसा कि आप देख सकते हो मर्करी रेट्रोगेट मूव कर रहा है यानी कि वो वापस से कैंसर के साइन में आ रहा है जहां जबकि वो आगे लियो के साइन में जा चुका था। तो ये मर्करी का रेट्रोगेशन ऐसा होता है वो वापस से मूव करने लगता है पीछे की ओर और ये ऐसा हो नहीं रहा एक्चुअली। आप समझ रहे होगे तो हम लोग ऑर्बिट्स में देखा जाए तो ऑर्बिट जो हमारी फ्रंट जो हमारी फेसिंग ऑर्बिट है वो कहीं ना कहीं उसी में मूव कर रहा है लेकिन हमें अर्थ से देखने पे ऐसा लगता है कि वो वापस मूव कर रहा है। तो अब वापस से मर्करी डायरेक्ट हो चुका है और वो मूव कर रहा है। अगर आपको रेट्रोग्रेशन का मतलब ये मीनिंग और डीपली जानना है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को रेट्रोग्रेशन के चेक कर सकते हैं। तो इन दिस फॉर्म मर्करी जो आ रहा है और ये एक बहुत ही मैं यहाँ पे देख बताना चाहूंगा कि मर्करी की ये बहुत ही फेवरेट लोकेशन है क्यों और ऐसा इसलिए क्योंकि मर्करी का एग्जॉल्टेशन पॉइंट ये है। एग्जॉल्टेशन पॉइंट ये है कि यानी कि यहाँ पे वो सबसे बेस्ट और कंफर्टेड फील करता है इस पॉइंट पे। और ऐसा हम लोग समझ भी सकते हैं क्योंकि मर्करी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं क्योंकि मर्करी इज वेरी फास्ट मूविंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हुए जो एक पॉइंट बनता है वो है वर्गो का। और वर्गो के इस पॉइंट पे आने पर मर्करी एक्सॉल्टेड फील करता है। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि डेबिलिटेटेड किस फॉर्म में किस जोडियक साइन में ये पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं आगे की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से और मर्करी जो है। तो एक और चीज आपके ध्यान में ये देखना कि -10 पे हम लोग आ चुके हैं। लगभग जीरो को हम लोग क्रॉस करके -10 डिग्रीज लैटिट्यूड पे हम लोग मूव कर रहे हैं और ये अब बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होकर के मर्करी नीचे होते जा रहा है। मून भी काफी बार अब पास हो चुका है। लगभग हम लोग साल पूरा कंप्लीट करने के उसमें है तो इसलिए हम लोग पूरा इसको मर्करी का रोटेट करके देखेंगे। तो नाउ इट हैज ऑलरेडी पास्ड ऑन लिब्रा दैट इज तुला राशि और अब ये स्कॉर्पियो में है और स्कॉर्पियो में आप देख सकते हो कितना डीप आ चुके हैं हम लोग नीचे। -20 डिग्रीज के नीचे हम लोग हैं। लगभग -25 को हम लोग टच कर रहे हैं ऑब्वियस ही बात है। अब ये मर्करी का सेकेंड रेट्रोगेशन आप देख सकते हो कि ये हो रहा है और ये हो रहा है वापस से और हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली अब की बार बैकवर्ड वाली लाइन पे मूव कर रहा है इस वजह से ऊपर जा रहा है और फिर से ये लिब्रा में एंटर करके वापस से ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट बनता है जहां पे मर्करी ऐसा फील भी होता है कि वो स्टॉप हो गया है लेकिन वो रुका नहीं है। वो हमारे सिर्फ अर्थ की स्पीड जैसी ही स्पीड उसकी अटेनमेंट होती है थोड़े समय के लिए।
तो अगेन मर्करी डायरेक्ट हो चुका है और अब हम लोग स्कॉर्पियो से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग सैजिटेरियस में एंटर कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी फायरी साइन, फाइटिंग का साइन भी है। तो अब जैसा देख सकते हो कि एक लेवल आ चुका है उसके प्लेन पे, और अब जो है वो मर्करी धीरे धीरे ऊपर की ओर फिर से असेंड करेगा और वो ऊपर चढ़ना शुरू कर चुका है स्कॉर्पियो के साइन में एंटर करते ही। तो बहुत देर से हम लोग साइन देख चुके हैं, तो मैं साइन को रिड्यूस कर दूं तो इससे आपको और क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। लेट मी जस्ट, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मकरी ऊपर असेंड कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और ये अक्वेरियस के साइन में एंटर कर चुका है और अब बहुत हाइट पे आ चुका, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जैसे मरकरी को लगाने पड़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मोशन में -10 डिग्रीज पे आकर चुका है और वो जीरो को पाइसीस पे टच कर रहा है। तो इन दिस फॉर्म मरकरी अब अगेन एक बार रेट्रोग्रेशन की ओर है और रेट्रोग्रेड करना शुरू कर चुका है और वापस से ये अक्वेरियस के साइन में एंटर करेगा और फिर एक हाइट और एक लूप लेकर के चढ़ाई शुरू करेगा वापस से अपनी। तो ये जो पाइसीज में जो ये चढ़ाई वापस से करने वाला है, एक्चुअली यही पॉइंट कहीं ना कहीं बनता है मरकरी का डिब्लिटेशन साइन। यहाँ पे आकर के मरकरी डिब्लिकेटेड फील करता है, डिब्लिकेटेड इन द सेंस कि वो हैप्पी फील नहीं करता है। और इसके बहुत सारे और इफेक्ट्स होते हैं व्यक्ति के माइंड और बॉडी पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एग्जैक्टली फील कर सकते हो मरकरी का जो पेन है, जो मरकरी के साथ उसका मोशन है उसी में वो दिखता है। तो ये है पाइसीस का साइन जहाँ पे अभी करेंटली मरकरी मूव कर रहा है और वापस से वो आ चुका है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने उसको शुरू किया था। तो इस पॉइंट पे +10 से वो मूव करके वापस आ चुका और दिस वे 365 डेज कंप्लीट करके हम लोग आ चुके हैं और मरकरी का ये फुल ऑन मोशन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको और भी ऐसे अपडेट्स चाहिए और वीडियो चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का और वीडियो चाहिए, तो मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और फाइनली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि वी विल रिटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।